गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर आर्ट बुक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉपिक 5, दैट इज शेडिंग। कलर द शेप्स इन लाइट एंड डार्क शेड्स यूजिंग कलर पेंसिल्स। होप यू हैव फिनिश्ड योर प्रीवियस वर्क अप टू टॉपिक 4 in your art book. In previous classes, I have explained you about how to give strokes. हमने जो previous classes में strokes की shading सीखी थी, वही strokes की shading हमने इसमें करनी है। बस फर्क इतना है कि हमने pencil से करनी है। पर जिन बच्चों के पास pencil नहीं है, पेंसिल कलर्स नहीं है, वो क्रेयॉन से भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि आपके पास पेंसिल कलर्स नहीं है और आप कैसे करेंगे, आप क्रेयॉन से करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगी पेंसिल से। शेडिंग तो हमने बतानी है आपको पेंसिल से। जिनके पास पेंसिल है वो पेंसिल से शेडिंग करेंगे और बाद में मैं कुछ ऑब्जेक्ट को क्रेयॉन से शेडिंग करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कैसे, जिनके पास पेंसिल्स नहीं है उनको शेडिंग कैसे करनी है। तो यू विल यूज पेंसिल कलर्स। आई एम टेलिंग यू ऑफ ब्लू, यू विल यूज हियर ब्लू शेड लाइक दिस। यू विल गिव द स्ट्रोक्स। First you will give from the left side and then you will give from the right side like this. You will give shading to your object. Now you will start from the left side like this. You will give some curved lines. थोड़ी सी गुलाई में लाइनें, जैसे हमारी शेप है ना ऑब्जेक्ट की, वैसी ही शेप में हमने हल्की हल्की कर्व्ड लाइन देनी है। हमने सीधी सीधी लाइनें नहीं लगानी है। यहाँ पे हमने सीधी लाइनें लगाई हैं, यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी गोल कर दी है, यहाँ से नीचे से थोड़ी सी गोल कर दी है, बीच में स्ट्रेट है। इसी तरह से यहाँ पे तो आपकी सारी ही कर्व्ड लाइन्स जाएंगी इस तरह से। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बार बार बोल रही हूँ, जिनके पास पेंसिल कलर नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने क्रेयॉन कलर से ही इस तरह स्ट्रोक्स की शेडिंग कर सकते हैं। सेम मेथड रहेगा। आप सिर्फ उनकी वजह से मैं दो ऑब्जेक्ट जो है वो पेंसिल से करूंगी और दो ऑब्जेक्ट जो है क्रेयॉन से करूंगी, पेस्टल से करूंगी। जैसे जैसे उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रोक्स हैं वो भी लंबी होती जाएंगी, स्ट्रोक्स की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। पहले छोटी है, छोटा पोर्शन है तो छोटी रहेंगी स्ट्रोक्स, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो आपकी स्ट्रोक्स भी बड़ी होएंगी। अगर जिन बच्चों के पास पेंसिल कलर है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो पेंसिल से ही करेंगे, उन्होंने क्रेयॉन्स यूज नहीं करने हैं।
कि मैम ने दो ऑब्जेक्ट क्रेयॉन से किए तो हम भी दो ऑब्जेक्ट क्रेयॉन से कर लें, ऐसा नहीं है। जिनके पास पेंसिल कलर है वो पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं। अब मुझे बच्चों ने बोला मैम हमारे पास नहीं है, मैंने पूछा था आपके ग्रुप पे मैसेज करके कि आपके पास है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे पास मैम नहीं है, इसलिए मेरे को फिर थोड़ा ऑयल पेस्टल शेडिंग भी सिखानी पड़ रही है। जो राइट साइड वाली स्ट्रोक्स हैं ऑब्जेक्ट में वो छोटी रहेगी आपकी, वो बड़ी नहीं करेंगे आप। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। आई हैव डन दिस, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू शेडिंग विथ क्रेयॉन्स। यहाँ पे सबसे लाइट स्ट्रोक्स आनी है आपकी। हमने स्टार्टिंग में लाइट और डार्क की टोन का सीखा था शेडिंग, तो यहाँ पे हमने हल्का हल्का रेड कलर करना है, बिल्कुल सबसे हल्का पोर्शन। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, मगर जो हमारा आगे का पोर्शन होता है वो छोटा बड़ा जिगजैग शेडिंग आती है, उसको आने दो आप। वो हमारी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वहां से हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट शेडिंग हियर। हियर ऑल्सो कम्स लाइट शेडिंग, बट दीज स्ट्रोक्स आर अकॉर्डिंग टू शेप, यू विल गिव अकॉर्डिंग टू शेप। जैसी हमारी शेप है वैसी ही हमारी स्ट्रोक्स होंगी, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स दी थी, जबकि यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रही है। यहां पर आपकी नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगी। यहाँ पे आपकी डार्क शेडिंग रहेगी। This is finished now, and now we will go to page number 6. You should also write the date. Tomorrow, 12, 6, 13. Okay, sorry students. 13 will come here.
13/6/2020. Again, I am telling you shading with pencil. This is green color. According to shape, little curved lines will come here. यहां पे भी आपकी कर्व्ड लाइन जाएंगी. Take care, students. You will give the curved line. According to shape, we will give the shading. Our stroke should be according to the shape. Now you will darken these lines. Pencil is broken. You will darken this. You will give small strokes from the right side. You will go right to left. Here we will use brown color. Like this. Again, we will give red color here.
एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ बेटा जी, अगर आपके पास पेंसिल कलर है तो आपने पेंसिल कलर ही यूज करने हैं, आपने क्रियॉन्स नहीं और पेंसिल्स नहीं यूज करने हैं। और अगर आपके पास पेंसिल कलर्स नहीं हैं तो आपने सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑयल पेंसिल से ही शेडिंग करनी है। विल गिव द लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स। अगर आप मिक्सिंग करना चाहते हैं ऑयल पेस्टल में व्हाइट कलर से, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कलर मिक्सिंग सिखाई हुई है मैंने, अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हाँ, और उसको फिनिशिंग टच आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। This is, this is finished. Now, I'm going to use the green color in this. Here you can use little this color. You can give mixing with oil pastel. Oil pastel में आप mixing कर सकते हैं white की और light और dark की, but pencil color की यू शुड गिव फिनिशिंग टच विद योर कलर। कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी। क्लियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।